हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं भैरव प्रसाद पति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल भैरव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों मक्के की खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, मक्के की खेती के बारे में, उसका डिटेल कॉन्सेप्ट में समझेंगे, क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मक्के की खेती के लिए दोस्तों आपको अपने ज़मीन को एज यूजल दूसरे खेती के जैसा ही हल करके तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको अपना सॉइल का टेस्ट कर लेना है, जो कि अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर ऑफिस में जाकर उसका सॉइल टेस्ट कर लेना है। अगर कोई खामियां भी आए तो उसके उन्नत मानक जैविक सार देकर उसे उन्नत मानक बना लेना है। आपको मक्के की खेती खरीफ सीजन में कर लेना होगा, जो कि मानसून आने से पहले यानी जून से जुलाई महीने के बीच आपको बीज बो लेना पड़ेगा। उसके लिए बेहतरीन टेम्परेचर होता है 22 से 30 डिग्री टेम्परेचर। मक्का सबसे ज़्यादा 35 डिग्री तक सह सकता है, उसकी सहनशीलता क्षमता 35 डिग्री तक होती है। अगर 30 डिग्री के बीच अगर टेम्परेचर रहे तो अच्छा खासा मुनाफा होता है। आपको मक्के की खेती के लिए 50 से 90 सेंटीमीटर की रेनफॉल की आवश्यकता होगी। इसके लिए सुइटेबल सॉइल आर क्ले लोमी, सैंड लोमी एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। इन तीन भूमि में अच्छा खासा ग्रोथ होता है और अच्छा मुनाफा होता है। दोस्तों आपको मक्के की खेती के समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पेड़ के बीच आपका लगभग डिस्टेंस 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे ग्रोथ के लिए देखिए कैसा ग्रोथ हुआ है, वैसे ही आपको अच्छे ग्रोथ के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखना पड़ेगा। और दोनों धाड़ी के बीच डिस्टेंस होगा भाई लोग 60 से 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। मक्के की खेती के लिए दोस्तों आपको पर हेक्टर 10-11 केजी बीज चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 10-11 केजी बीज चाहिए। उसके साथ साथ पर केजी आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजाइम और थीरम चाहिए दोस्तों, जो होगा तो अच्छा होगा। उसके साथ साथ बीज लगाने के दूसरे दिन दोस्तों आपको एट्राजिन डालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एट्राजिन डालना पड़ेगा। वो कितना अमाउंट में? 500 ग्राम एट्राजिन इन 1000 लीटर वाटर। ठीक है दोस्तों, 500 ग्राम एट्राजिन इन 1000 लीटर वाटर। ज़्यादा मुनाफा के लिए दोस्तों आपको पर हेक्टर 470 केजी सुपर फॉस्फेट बीज बोने के दिन लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 200 केजी यूरिया और उसके साथ 180 केजी पोटास डालना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको 20 दिन के अंदर में आपको क्या डालना पड़ेगा, 60 केजी यूरिया पर हेक्टर आपको डालना पड़ेगा। दोस्तों ये पेड़ हो गया है लगभग 30 से 35 दिन का, इसको अब वेडिंग की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसको अभी वेडिंग की ज़रूरत है। आपको वेडिंग करते समय आपको कितना क्या लगेगा, आपको वेडिंग करते समय आपको पर हेक्टर 120 केजी यूरिया के साथ साथ 50 केजी आपको पोटास की ज़रूरत होगी। दोस्तों वेडिंग करने से पहले आपका मक्के की खेती जो आप कर रहे हैं वो लाइट कलर का दिखता है। देखिए दोस्तों, वेडिंग करने के बाद पेड़ ऐसे पूरा हरा दिखता है, पूरा फुल हरा दिखता है, डार्क कलर का आ जाता है और अच्छा मुनाफा आता है। पेड़ की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है बोने के 60 डेज के बाद। आपको उस आपके मक्के की पेड़ में यूरिया 60 केजी पर हेक्टर डालना पड़ेगा। दोस्तों आपको एक मक्के की पेड़ की ग्रोथ कब तक हो जाएगी, आपका मक्के की पेड़ लगभग 3 महीने यानी 90 से 100 दिन के अंदर आपका मक्के की पेड़ ग्रोथ हो जाएगी और आपको कितना मुनाफा होगा। दोस्तों आपको पर एकड़ बोल रहा हूँ, पर एकड़ 30 से 35 हज़ार मुनाफा आपको जरूर होगा।